चिकित्सा विभाग के अंदर फर्जीवाड़े की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आरएमसी के रजिस्ट्रार सहित तीन को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल किरणलाल मीणा जो मंत्री हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि ये स्कैम है, और किरणलाल मीणा ने यह दावा किया है कि 50 लाख रुपए देकर ये डॉक्टर नहीं मौत के सौदागर तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान के अंदर चिकित्सा विभाग से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके अंदर आरएमसी राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया जाता है, तो वहीं उनके साथ तीन कर्मचारियों को भी इस मामले को लेकर सस्पेंड कर दिया है। अब किरोड़ीलाल जो मीणा है उनका दावा है, किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि फर्जीवाड़े से डॉक्टर नहीं मौत के सौदागर हैं, उनको तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि 30 से 50 लाख रुपए रिश्वत लेकर और इसके जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनके सर्टिफिकेट उनको जारी किया जा रहा है, डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 24 सितंबर को इसकी शिकायत दे चुका हूं। तो वहीं जब ये बात चिकित्सा मंत्री के सामने आई तो चिकित्सा मंत्री ने तुरंत 5 सदस्यों की एक टीम गठित की और टीम को सुबह सुबह जो है वो आरएमसी के दफ्तर में भेज दिया। लेकिन जैसे ही आरएमसी के दफ्तर में टीम पहुंचती है और वहां पर जो है कागजात को देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा वहां पर देखने को मिला, जिसके बाद शाम को रिपोर्ट को सबमिट की जाती है और तुरंत चिकित्सा मंत्री जो हैं वो इस पर फैसला लेते हैं और शाम होते ही रजिस्ट्रार और तीन जो अन्य सदस्य हैं जो इस विभाग के, उनको जो है निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया जाता है। और अब इस पूरे मामले को लेकर इस चिकित्सा मंत्री जो हैं उनका कहना है कि आरएमसी में जो भी हुआ वो फर्जीवाड़ा नहीं है, ये स्कैम है। शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि 3000 पुराने केसों को छोड़कर दूसरे राज्य की जो काउंसिल है, काउंसिल के जो जाली दस्तावेज हैं उनको पेश करने वालों को आरएमसी ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि कई मामलों में आवेदन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की प्रक्रिया जो है वो एक दिन के अंदर पूरी कर ली गई है। 3000 केस जो पहले से पेंडिंग है उनको पेंडिंग छोड़ दिया जाता है और उससे पहले फर्जीवाड़े के लिए एक दिन में सारे दस्तावेज जो हैं वो वेरीफाई कर दिए जाते हैं। इतने बड़े स्तर पर चिकित्सा विभाग में ये धांधली देखने को मिली है। इसी मामले को लेकर एक राम किशोर महावर जो हैं उन्होंने करौली के अंदर अपना एक ओमसाई क्लिनिक खोला था और इसी को लेकर आज से लगभग कह सकते हैं 50 से 52 दिनों पहले जो करौली के CMHO हैं उन्होंने कहा था कि महावर एक का फर्जी डॉक्टर है, क्योंकि उसको सामान्य जानकारी भी इस मामले को लेकर नहीं थी। और इसी को लेकर अब चिकित्सा विभाग में जरूर हड़कंप मच चुका होगा, क्योंकि बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा और स्कैम जो है वो सामने आया है। रजिस्ट्रार को इस मामले को लेकर सस्पेंड किया है। देखना यह होगा कि चिकित्सा मंत्री ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जिस जिसने फर्जीवाड़ा किया है एक को भी इस मामले को लेकर बख्शा नहीं जाएगा। अब चिकित्सा मंत्री आगे इसको लेकर क्या फैसला लेते हैं और ये जो एक बड़ी जो है चैन है जिसमें या तो कोई पैसे देकर डॉक्टर बन रहा है या फिर अपना कोई पर्सनल क्लिनिक खोलकर बैठा है, और ऐसा करने से उन लोगों की जान जोखिम में है जो उन पर भरोसा करके उनके पास इलाज के लिए, उनके पास उपचार के लिए जाते हैं, उनके साथ बड़ा जो है वो उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है ये स्कैम को लेकर। और इसी को लेकर अब रजिस्ट्रार और जो तीन सदस्य हैं उनको तो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया, लेकिन आगे चिकित्सा विभाग में इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। महेंद्र भास्कर, लोकमत, हिंदी, जयपुर।